यस, क्या है प्रोडक्ट का नाम, क्या है सर आप बताएंगे? एश्योर पॉकेट डियो है, परफ्यूम स्प्रे है, उसके पहले भी कुछ लिखा है चेरिस्मा, हाँ चेरिस्मा परफ्यूम स्प्रे, चेरिस्मा ही इसको स्पेल करेंगे ना। चलिए गर्मियों में क्या होता है, चलिए हम लोगों ने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया, हाइड्रेटेड कर लिया, अब क्या है एक और बहुत प्रॉब्लम होती है गर्मियों में, क्या होता है स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, सभी को होती है, और स्वेटिंग होना अच्छी बात है, वो इस मतलब कहते हैं ना ऑर्गन्स के या बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, तो स्वेटिंग होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है और बॉडी टेम्परेचर को वो मेंटेन रखता है। स्वेट के बारे में जानते हैं क्या, वी स्वेट ए लॉट एवरी डे बट मोस्ट ऑफ इट एवेपोरेट एंड वी डू नॉट रियलाइज, सबके बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और लेकिन वो एवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है और हमें पता नहीं चलता है। स्वेट डजंट स्मेल, स्वेट में कोई स्मेल नहीं होती है, इट इज अ क्लियर ऑडरलेस लिक्विड मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर सॉल्ट प्रोटीन्स एंड ऑयल्स, इसकी वजह से स्वेट होता है। द स्मेल दैट वी कॉल बॉडी ऑडर इज कॉज्ड बाय, जिसके भी पसीने में एक स्मेल आती है उसका जो रीजन होता है वो समझ लीजिए। द स्मेल दैट वी कॉल बॉडी ऑडर इज, जो शरीर में एक मतलब दुर्गंध आती है, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन एंड ऑयल्स रिलीजिंग द ऑडर, जो मतलब बॉडी में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसके जो है ब्रेक मतलब इसकी वजह से ही आते हैं। बॉडी ऑडर कैन बी डिफाइंड एज द अनप्लीजेंट स्मेल दैट इज क्रिएटेड एवरी टाइम वी स्वेट, बॉडी ऑडर कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ फ्यू सिंपल पर्सनल हाइजीन स्टेप्स, परफेक्ट पॉकेट कंपेनियन, मतलब पॉकेट का परफेक्ट साथी कंपेनियन। वॉट कॉजेस बॉडी ऑडर, बॉडी ऑडर के क्या क्या कॉजेस होते हैं, बॉडी ऑडर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम स्वेट, स्वेट की वजह से गंध नहीं आती, लेकिन उसकी और क्या रीजन हो सकते हैं, द स्मेल अराइजेस बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया द ब्रेक डाउन द स्वेट इनटू ऑटोमेटिक फैटी एसिड्स व्हिच गिव्स बर्थ द अनप्लीजेंट बॉडी ऑडर, स्वेटिंग इज बॉडीज नेचुरल टेक्निक ऑफ रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, बात कर चुके हम लोग, एज स्वेट एवेपोरेट इट टेक्स द हीट अवे फ्रॉम द बॉडी हेल्पिंग द बॉडी इन कूलिंग डाउन, to help achieve this the body has more than 4 million sweat glands, 4 million sweat glands hoti hai. Factors affecting body odor, warm environment, kaun kaun se factors se hai jo body odor ko matlab body odor ke liye matlab affecting factors hai, warm environment, general movement and physical activities, emotional feelings including stress, stress ki bhi wajah se jo hai pasine mein एक तरह की मतलब दुर्गंध आने लगती है, इमोशनल फीलिंग्स एंड इंक्लूडिंग स्ट्रेस, ईटिंग हॉट और स्पाइसी फूड्स समझ में अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा, साइड इफेक्ट्स फ्रॉम मेडिकेशन और सर्जरी, बहुत लंबे मतलब मेडिकेशन में इलाज वगैरह किसी का चल रहा है, मेडिसिन वगैरह ले रहा है लगातार, या किसी की सर्जरी हुई है, इलनेस और फीवर की वजह से भी बॉडी ऑर्डर मतलब होता है, और हार्मोनल चेंज सच एज मेनोपॉज प्रेगनेंसी मैनेजमेंट और पॉवर्टी, इन सब की वजह से भी ये रीजंस होते हैं। हाउ टू प्रिवेंट बॉडी ऑर्डर, किस तरीके से हम बॉडी ऑर्डर को प्रिवेंट कर सकते हैं, चेंज क्लॉथ्स रेगुलरली, हमें लगा मतलब डेली धुले साफ कपड़े पहनना चाहिए, रिंस विद रेगुलरली एंड रिप्लेस देम इफ रिक्वायर्ड, और धुले साफ कपड़े बदल के पहनना चाहिए, मिक्सिंग दिस इन्फेक्टेड टू वॉश कैन हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ बैक्टीरिया, हमें अपना जो वॉशिंग के लिए जो तरीका, अपने आप वॉशिंग के लिए क्या क्या चीजें हैं, वॉशिंग में अल्ट्रा वॉश और सेकेंड वर्ड प्रोडक्ट कौन सा है, हाँ जी, तो देखिए वही चीज आई है उसमें भी इस तरह के बैक्टीरिया को वो डिसइंफेक्टेड इन्फेक्ट करता है, मतलब कुछ इस तरीके की चीजें होती है, डिसइंफेक्टेंट टू वॉश कैन हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वगैरह को नाश करें, इस तरह की चीजें हमें वॉश के लिए यूज करनी चाहिए। अप्लाई डियोडोरेंट अंडर योर आर्मपिट्स आफ्टर वॉशिंग, हमें डियोडोरेंट आर्मपिट्स वगैरह में यूज करना चाहिए आफ्टर वॉशिंग, कीपिंग आर्मपिट्स हेयर फॉल अलाउस स्वेट टू एवेपोरेट क्विकली गिविंग बैक्टीरिया लेस टाइम टू टाइम इवॉल्व,
वियर नेचुरल एंड ब्रीथेबल फैब्रिक्स लाइक कूल सिल्क और कॉटन, मतलब हमें इस तरह के फैब्रिक्स फैशन मतलब पहनना चाहिए जो ब्रीथेबल हो, जिसपे की मतलब हवा पास हो सके, जैसे कॉटन है और सिल्क वगैरह तो नहीं, वूल तो कोई नहीं पहनेगा, लेकिन कॉटन कपड़े पहनना चाहिए। टेक इट इजी व्हेन इट कम्स टू गार्लिक एंड स्पाइसेस इन द फूड, ये सारे कारण होते हैं। एश्योर चरिस्मा हमारे लिए किस तरीके से काम करेगा, इट हैज टाइमलेस क्लासिक स्वीट एंड सबटल फ्रेग्रेंस, मतलब एक भीनी भीनी टाइप की इसकी सुगंध है, बहुत ही ज्यादा एकदम तेज टाइप की नहीं है सुगंध। इट इज एन आइडियल वियर दैट कीप्स यू स्मेलिंग ग्रेट ऑल डे लॉन्ग एंड एफर्टलेस, ब्रिंग्स आउट द चार्म फैक्टर इन यू, इस तरह की है कि मतलब पूरे दिन की स्मेल हमारे लिए काम करेगी, अच्छी है स्मेल इसकी। इट हेल्प्स टू मेक एवरीवन टर्न अराउंड विद दिस मैजिकल फ्रेग्रेंस। इट इज पॉकेट साइज परफ्यूम दैट इज इजी टू कैरी एंड अप्लाई एनी टाइम, यानी इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में ये चीजें बताई गई है कि बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, भीनी भीनी स्वीट टाइप की इसकी फ्रेग्रेंस है, और इस तरह की है कि किसी को भी मतलब क्या कहते हैं ना, अच्छा अगर हम लगाए होंगे तो एक बहुत अच्छा मतलब उसके मतलब दिमाग में एक इफेक्ट पड़ेगा कि बहुत अच्छा टर्न हो गए, मतलब जो है ना उस फ्रेग्रेंस को अच्छे उससे देखेगा। और ये पॉकेट साइज है परफ्यूम है, और इसकी शायद हमें लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों को जरूरत थी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के पास जो बड़े पैक्स थे परफ्यूम ऑडियो में है, पैक्स हम लोग के पास ट्रूमैन में अलग है, एश्योरेंज में अलग है, बहुत अच्छी उसकी स्मेल है, सब कुछ है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि हम लोग बड़ा पैक हर जगह कैरी नहीं कर सकते हैं, तो ये लगता है कि पॉकेट साइज हम लोग के पास कुछ होना चाहिए इस तरह का कि कभी भी हम लोग समर्स में अक्सर होता है एक घंटे के बाद जरूरत फील होती है खुद को। एश्योर चरिस्मा बेनिफिट्स क्या है, इजी टू कैरी है, कहीं भी इसको जो है ले जा सकते हैं, यूज एनी टाइम, कहीं भी निकाल के यूज कर सकते हैं, इजी टू यूज है, लॉन्ग डे फ्रेशनेस है, यूज एनीवेयर, सेम चीज है कि लॉन्ग डे मतलब हमको फ्रेशनेस देता है, कहीं भी यूज कर सकते हो और इजी टू कैरी है। चलिए सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट चीज जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर या लीडर्स के बस सबके सबसे ज्यादा उसी पे दिमाग रहता है, एमआरपी क्या है इसका 100 रुपीज, वाओ, डीपी 85 रुपीज, बीवी 51 और पीवी है इसका 2.83, यानी कि कोई भी कभी भी इसको परचेज कर सकता है, और हम लोग के लिए तो क्या बीवी पीवी मिल रहा है तो प्रोडक्ट तो परचेज कर रही है। चलिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए।